तो इसमें मैं आपको एफएम पढ़ाने वाला हूँ। अरे मैं हूँ, मेरा नाम एचल गुप्ता है। मैंने एमबीए फाइनेंस किया हुआ है और मैंने बीएससी किया था, जिसमें फिजिक्स था, मैथमेटिक्स था और स्टैट था। और फाइनेंस जो सब्जेक्ट है ऑलमोस्ट वो न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। और क्योंकि मेरी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, साइंस बैकग्राउंड है, तो न्यूमेरिकली बहुत अच्छे से मैं आपको कैप्चर करा सकता हूँ। और सॉल्विंग की क्वेश्चन सॉल्व करने का मैं बहुत अच्छे से मेथड बता सकता हूँ। लास्ट 25 ईयर से हम आईसीएसआई का फैकल्टी मेंबर है। अभी भी हमारी ऑनलाइन क्लासेज आईसीएसआई में चल रही है। 4 to 6 TTS में मेरी क्लासेज होती है। वहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो हम लोग से एडवाइस लिया जाता है, और उस एडवाइस के बेसिस पे क्वेश्चन का पैटर्न को लिया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएगा उसकी मुझे पूरी नॉलेज है, 15 साल की एक्सपीरियंस है। तो आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम में हमारी पढ़ी हुई क्वेश्चन आएगी या नहीं आएगी, इसकी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। वह सारी चीजें आप लोग को आएगा। एग्जाम में जब बैठेंगे तो पता चलेगा कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आया हुआ वो आपका डिस्कस किया हुआ है। ये बात अलग है कि आप याद करके जाएंगे या नहीं जाएंगे, आप सोल्व कर पाएंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन एग्जामिनेशन का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि मेरा पढ़ाया हुआ नहीं रहेगा, आपका जरूर डिस्कस किया हुआ रहेगा क्लास में। और जो मैं क्लासेज में पढ़ाऊंगा उसका डिटेल में आपको पीपीटी जो मैं है वो मैं आपको सेंड करूंगा। कभी कभी बच्चे पीपीटी क्या करते हैं, खो देते हैं, और उससे क्या होता है फिर बार बार मुझे रिपीट करते रहते हैं, जी सर ये पीपीटी भेज दो, ये पीपीटी भेज दो। अब इंडिविजुअल बच्चों को भेजना थोड़ा मुश्किल है, हम ग्रुप में भेजते हैं। आपकी जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है उस पे हम भेजते हैं पीपीटी। और एक बार पीपीटी होगा आप लोग डाउनलोड करके अच्छा से रख लीजिएगा, मेरी पीपीटी से ही पढ़िएगा। पीपीटी कैसे होगा, पहले मैं क्लास में ईच एंड एवरी थिंग्स मैं डिस्कस किया हुआ रहूँगा, और वहीं आपको रिपीट करनी है। तो पढ़ाया हुआ रहेगा, समझा हुआ रहेगा, एक बार क्लास में किया हुआ रहेगा, तो आपको टाइम बहुत कम लगेगा रिवीजन करने में। ठीक है ना बेटा, मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं एमसीक्यू क्लास में करा लूँगा आपको। जितनी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में करनी है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा, और उसका पीपीटी आपको भेज दूंगा। ठीक है ना बेटा। इसमें कितने बच्चे हैं जिसका दिसंबर अटेम्प्ट है? अच्छा, मैक्सिमम बच्चे दिसंबर अटेम्प्ट के ही हैं। और जून अटेम्प्ट वाले बच्चे कितने हैं? एक घर दो बच्चे हैं। आप भी हैं जून अटेम्प्ट वाले? इधर जून अटेम्प्ट वाले कितने हैं इधर? अच्छे 3 बच्चे हैं। तो हम आज इंट्रोडक्शन देते हैं एफएम का, और मैंने लास्ट क्लास में भी कुछ चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट क्लास से आप लोग जैसे कहेंगे वैसे मैं पढ़ाऊंगा, या एक चैप्टर में ऐसे अपने अनुसार करता हूँ जो बेसिक चैप्टर्स है। उसके बाद हम फिर आपको सिलेबस एक एक करके कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है ना बेटा। तो मेरे बारे में तो जान गए आप लोग, आप लोगों के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। कहाँ से बताना शुरू करेंगे आप बताइए। अच्छा, दिसंबर अटेम्प्ट है आपका। चलिए बैठिए बेटा। आपका बेटा शिखा, ऋषि का, इसी का, चलो इसी का, बैठो बैठा। दिसंबर अटेम्प्ट बेटा आपका? हाँ जी बेटा। आपका 8वीं बार। आपका बेटा? अच्छा, आपका बेटा अंकिता। हाँ जी बेटा। आपका? अच्छा ठीक है। आपका बेटा? अच्छा, ठीक है बेटा अंकिता। अश्विन, चलो बेटा। आपका वैभव। आपका बेटा दीपाली। अच्छा ठीक है बेटा। आपका बेटा
दीवांश। हाँ ठीक है बेटा, ओके बेटा। हाँ जी बेटा, हर्षिता आप ही ने मुझे मैसेज किया था। ठीक है बेटा। हाँ अच्छा ठीक है बेटा। राधा, श्रुति, आस्था, अब माया, आशु, ठीक है बेटा, रजत, अमित, अब हाँ जी बेटा, आशु, निधि, आपका बेटा, निधि, आप, अभिषेक, करिश्मा, अच्छा ठीक है बेटा, लास्ट, ठीक है आपको बेटा, अच्छे, कृष्णकांत, अच्छे, लास्ट में तो बच्चे, अच्छे आपको बेटा। चलिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब ये जो सब्जेक्ट था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सीएस प्रोफेशनल में पहले सब्जेक्ट था, और सीएस प्रोफेशनल के बाद जब सिलेबस चेंज हुआ तो सीएस एक्सक्यूटिव में आ गया, प्रोफेशनल से सब्जेक्ट को हटा दिया गया। पहले ही सब्जेक्ट का नाम था एफटी एफएम, फाइनेंशियल ट्रेजरी एंड फॉरेक्स मैनेजमेंट, इस सब्जेक्ट का नाम था फाइनेंशियल ट्रेजरी एंड फॉरेक्स मैनेजमेंट। इसमें दो चैप्टर, जिसमें इसमें तीन चैप्टर ऐसा था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था, वो इंटरनेशनल फाइनेंस कहा जाता है। उसमें एक चैप्टर था फॉरेक्स, दूसरा चैप्टर था डेरिवेटिव, और तीसरा चैप्टर था पोर्टफोलियो। तो फाइनल से इस चैप्टर को हटा दिया गया, इस चैप्टर को हटा गया डेरिवेटिव, पोर्टफोलियो रखा गया, बाकी सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, बाकी एग्जैक्ट वही स्टडी मटेरियल जो सीएस प्रोफेशनल का था, और सीएस प्रोफेशनल में 100 मार्क्स का था, एग्जैक्टली सेम सब्जेक्ट और सेम स्टडी मटेरियल प्रोफेशनल से उठाकर उसने क्या कर दिया, एग्जीक्यूटिव में ले दिया। ठीक है ना बेटा, इलस्ट्रेशन जितना प्रोफेशनल में था, जितना बड़े बड़े इलस्ट्रेशन थे, वो सारे के सारे इलस्ट्रेशन, प्रोफेशनल का इलस्ट्रेशन कहां पे रख दिया गया, एग्जीक्यूटिव में रख दिया गया। एक इलस्ट्रेशन आपको बनाने में दो दो घंटा क्लास में लगता था, तीन तीन घंटा एक इलस्ट्रेशन बनाने में लगता था। अब सुनिए, तो पहले जब एग्जाम हुआ, सबसे पहला सिलेबस का एग्जाम हुआ, वो आपका सब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम था, सब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम था। हालांकि मैं आईसीएसआई को एडवाइस दिया था कि सर एग्जैक्टली द सेम बुक प्रोफेशनल का आप जो एग्जीक्यूटिव में ला रहे हैं, और भी सब्जेक्टिव, हो सकता है कि बच्चों को प्रॉब्लम हो। तो उस केस में हुआ क्या कि मेरी बात नहीं मानी गई, और सीएस इंस्टीट्यूट ने सब्जेक्टिव एग्जाम लिया। बाद में फिर रिकॉल किया गया, जितने भी टीचर्स हैं, फैकल्टी मेंबर हैं सीएस आईसीएसआई का, कि सर इस बार थोड़ी सी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ बच्चों के एग्जाम देने में, अब फीडबैक कुछ अच्छा नहीं आया, कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो मैंने सजेस्ट किया सीएस इंस्टीट्यूट को कि सर इसकी जो सब्जेक्टिव है, उस सब्जेक्टिव को आप क्या कर दीजिए, ऑब्जेक्टिव में चेंज कीजिए। ऑब्जेक्टिव आपको ईजी रहेगा, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, और स्टडी मटेरियल चेंज कीजिए। स्टडी मटेरियल चेंज करने का मतलब, जो इलस्ट्रेशन आप सब्जेक्टिव का दिए हुए, बड़े बड़े दिए हुए हैं, उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए, छोटे छोटे क्वेश्चन बनाइए। तो उन्होंने हमारी बातें मानी और एमसीक्यू बेस्ड न्यू सिलेबस में चेंज किया पहले एग्जाम के बाद। लेकिन अभी भी आपकी जो स्टडी मटेरियल मिलता है इंस्टीट्यूट से, वह सारे का सारे क्वेश्चन क्या होता है बेटा, सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन होता है। एंड में स्टडी मटेरियल के एंड में 100 क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है, उसमें 60 क्वेश्चंस ऐसा है जो एफएम का है, एफएम का पार्ट है, और 40 क्वेश्चंस ऐसा है जो कि एसएम का पार्ट है। और ये जो 60 क्वेश्चन जो है, इस 60 क्वेश्चन में 100% श्योर हमेशा 5 या 6 क्वेश्चन होता है, 10 क्वेश्चन तक होता है हमेशा, हर एक एग्जाम में होगा,
आने वाले हर एक एग्जाम में। तो इसीलिए मैं बच्चों को क्या कन्विंस करता हूँ कि हमेशा आप अपनी स्टडी मटेरियल की क्वेश्चन करके जाओ, और आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद करा देता हूँ सारी स्टडी मटेरियल की क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपके इस क्लास में, ठीक है ना बेटा। दूसरी बात, अभी का जो एग्जाम का पैटर्न है, कंसेप्ट और फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वन लाइन क्वेश्चंस होगा, छोटा क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन सॉल्यूशन टू और थ्री स्टेप में आपका हो जाएगा। टाइमिंग फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन वन और टू मिनट लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको दो मिनट से ज्यादा लेंगे तो आप सारी क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। एग्जाम में पहले क्या था, कंसेप्ट फॉर्मूला और मिनी स्टेप्स रिक्वायर्ड था क्वेश्चन करने में, वन और टू पेजेस में क्वेश्चन ही खुद होता था, चार पांच पेजेस कम से कम एक क्वेश्चन की सॉल्यूशन में आ जाता था, और टाइमिंग एक आवर और हाफ आवर और टू आवर्स तक भी लग जाता था एक क्वेश्चन में। तो आपके लिए जो इंस्टीट्यूट ने स्टेप लिया एमसीक्यू का, वो आपके लिए एक बेटर डिसीजन है। लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न आपको नहीं दिया गया है, उससे डरने की कोई बात नहीं है। इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन नहीं दिया है, मैं क्वेश्चन दूंगा और मैं आपको सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन को, ठीक है बेटा। हाँ जी, मैं सीट चेंज कर दूंगा आपको दूसरी बार, मैं बहुत बार चेक कर लिया आपको, ये क्लियर हो गया बेटा। दूसरी बात है कि 100% आपको मार्क्स स्कोर करने के लिए मैं आपको अप्रोक्स 2500 एमसीक्यू कराऊंगा। तो आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यू क्लास में होगा, तो कोई डरने की बात नहीं है। देखिएगा, जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं उस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। ये जो शॉप है, इसमें कितने बच्चे विलेज से बिलोंग्स करते हैं, विलेज में आते जाते रहते हैं? बहुत कम बच्चे जाते हैं विलेज से बिलोंग्स करते हैं। मैं तो विलेज से बिलोंग्स करता हूं। विलेज में ऐसी घरें होती है, खप्पड़ जानते हैं आप लोग, वही है ये, करकट पाटा, तीन खप्पड़, घास भूस का घर होता है बहुत ज्यादा। वहां पे ऐसे शॉप होता है, ये शॉपकीपर एज पर लॉ अकाउंट मेंटेन करता होगा, ये शॉपकीपर रिटर्न फाइल करता होगा, ये ना रिटर्न फाइल करता होगा। इसको अकाउंट्स का नो नॉलेज है, कोई नॉलेज नहीं है, टैक्स का कोई नॉलेज नहीं है, टैक्स का कोई नॉलेज नहीं है, और गवर्नमेंट उसके पास जाता भी नहीं है कि भाई साहब आप ये करो वो करो, उसका रेड ओड नहीं होता उनके पास। अगर इनकम टैक्स वाले वहां चले गए और पूछने लगे तो सारे गांव वाले मिलके उनको बहुत पिटाई करेगा लोग। तो गवर्नमेंट तो बहुत ज्यादा फैसिलिटी अभी गांव में दे रही है। लेकिन एक बात बताइए, ये शॉप खोलने के लिए उसके दिमाग में तो होगा कि मुझे कितना पैसा चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, इतना दिमाग में होगा कि नहीं, मुझे कितना पैसा चाहिए, ये बात होगा कि नहीं उसके दिमाग में। दूसरी बात यह भी हो सकता है, मान लिया जाए 2 लाख रुपया मुझे चाहिए, गांव घर में 2 लाख में अच्छी दुकान हो जाती है, 2 लाख रुपया चाहिए, सपोज कीजिए मुझे बिजनेस करने के लिए 2 लाख रुपया चाहिए, ये 2 लाख रुपया कहां से आएगा इसके बारे में वो सोचता होगा कि नहीं सोचा होगा, इतना बारे में सोचता होगा कि नहीं। ये 2 लाख रुपया हम अपनी जेवर को कहीं रख कर हम स्टार्ट बनाए, या अपनी खेत को रख कर हम कहीं किसी साहब से ले, या बैंक से ले, कृषि बैंक उधर आता है वहां से ले, ऐसे सोचता होगा कि नहीं सोचता होगा। फिर ये सोचता होगा कि नहीं सोचता होगा कि भाई इस पैसे को इफेक्टिवली कैसे यूज किया जाए, सोचता होगा कि नहीं सोचता होगा। तो इसी को फाइनेंस कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, फाइनेंस कहा जाता है। अब बताइए, गांव का आदमी भी अगर कुछ करता है तो उसको क्या चाहिए, फाइनेंस की नॉलेज होना जरूरी है। बताइए, एक्चुअली फाइनेंस जो सब्जेक्ट है वो एमबीए में पढ़ाया जाता है, हमने 300 का फाइनेंस पढ़ा हुआ है, आप लोग 60 नंबर के फाइनेंस पढ़ रहे हैं, सीए में 100 नंबर का पढ़ाई होता है,
सीएमए में 100 मार्क्स का पढ़ाई होता है, लेकिन फाइनेंस जो स्पेशलाइज करता है वो 100% लास्ट ईयर में जाके फाइनेंस पढ़ता है एमबीए में, तो कोर एरिया तो एमबीए का है, लेकिन आपको क्यों पढ़ाया जाता है, सीए को क्यों पढ़ाया जाता है फाइनेंस, सीएमए को क्यों पढ़ाया जाता है? आजकल मेडिकल वाले बच्चों को भी फाइनेंस पढ़ाया जाता है, वहां पे भी एक फाइनेंस का सब्जेक्ट आ गया है, लॉ वाले में भी फाइनेंस का एक सब्जेक्ट है, जितने भी कोर्सेज है वहां पे फाइनेंस क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ईच एंड एवरी स्टेप में आपको हेल्प करता है। जैसे एक छोटे से बच्चों को उसके पापा ने बोला कि बेटा ये 100 रुपया लो, मार्केट में जाके सामान खरीद कर लाओ, तो वो जाएगा सामान खरीदने, सपोज कीजिए सब्जी कुछ खरीदना है, तो एक जगह जाते ही वो सब्जी का नहीं खरीद लेगा, वो 5-10 जगह अगर अच्छा बच्चा है तो 5-10 जगह क्या करेगा, पूछेगा कि क्या प्राइसेस है, और उस प्राइसेस के बाद जहां पे बेटर होगा वहां पे परचेज करेगा कि नहीं करेगा, जहां पे कम प्राइस होगा वहां पे परचेज करेगा कि नहीं करेगा। फिर जब घर आएगा तो उसके पापा पूछेंगे बेटा आपको 100 रुपया मैं दिया था, उसका तुम बताओ कैसे खर्च किया, तो उसको अपने फाइनेंस के बताएगा कि पापा मैंने यहां पे ये खर्च किया, यहां पे यह खर्च किया। तो वो एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि इफेक्टिवली और इफिशियंटली यूटिलाइज करना चाहिए किसका, पैसे का। फिर पैसे के बारे में वो बताएगा जी पापा यहां मैंने खर्च किया, इसको क्या कहा जाता है, फाइनेंस कहा जाता है। तो फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके ईच एंड एवरी स्टेप्स में उसकी यूटिलाइजेशन किया जाता है, और ईच एंड एवरी स्टेप्स में यूटिलाइजेशन करने के कारण इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस ईच एंड एवरी पर्सन को है, चाहे वो डॉक्टर है उसको भी पैसे का मैनेजमेंट करना है, चाहे एक हाउसवाइफ है उसको भी पैसे का मैनेजमेंट करना है, चाहे वो एक लॉयर है उसको भी पैसे का मैनेजमेंट करना है, चाहे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चाहे एक कंपनी सेक्रेटरी है, चाहे एक कॉस्ट अकाउंटेंट है, उसको भी पैसे का मैनेजमेंट करना है। तो सब जगह आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है और पैसे की मैनेजमेंट करने की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ये सब्जेक्ट आपकी करियर में करियर मेकिंग सब्जेक्ट है, इसको बहुत अच्छे से जानना जरूरी है, हमेशा आपको काम आने वाला सब्जेक्ट है। जैसे देखिए आप सीएस क्वालिफाइड हो जाएंगे, कहीं पे जॉब करने लगेंगे, आपकी शादी होगी, शादी के बाद घर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, सब कोई कार की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। मैंने तो 15 साल में इतने बच्चों को मैंने पढ़ाया और मैं देखता हूँ सबके पास अपना घर है सीएस क्वालिफाइड के बाद, सबके पास अपना गाड़ी है और सब कोई मस्ती में। तो अगर मान लिया जाए आपके पास गाड़ी हो लेना है, बैंक से लोन लेना है, तो एनुअल इंस्टॉलमेंट आपको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, मंथली इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, आप बताइए। इतने बड़े कोर्सेज करने के बाद आप बैंकर से पूछे कि सर एनुअल इंस्टॉलमेंट निकाल कर बताइए, या बैंकर आपको बताएगा कि एनुअल इंस्टॉलमेंट मैं निकाल के बताऊं इनको, क्या आपको सेटिस्फाइड होने का कोई अधिकार है वहां पे? नहीं। क्लास ब्रेक हो रही है बेटा, थोड़ा बोलते हैं क्लास ब्रेक हो रही है, बच्चों के पास पहुंच दे रही है ठीक से। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी किसी बैंक में लोन लेने के लिए जाए और वो बैंक से पूछेगी सर मेरा इंस्टॉलमेंट कितना पड़ेगा, तो बैंकर भी एक हंसेगा, सर आपने इतना पढ़ाया और फिर आप मुझसे पूछ रहे हैं कितना इंस्टॉलमेंट पड़ेगा। मान लिया जब अर्ली डिलीवरी अर्ली पेमेंट करना चाहते हैं और आप कहेंगे कि सर मुझे अर्ली कितना पेमेंट करना पड़ेगा, इस मैंने 3-4 इंस्टॉलमेंट या 10 इंस्टॉलमेंट देने के बाद होता है ना कि कहता है लोग मैं अर्ली पेमेंट कर दूंगा ताकि मेरे पास पैसा आ गया, आप बैंकर से पूछेंगे कि अर्ली पेमेंट मुझे कितना करना पड़ेगा, तो भी हंसेगा सर इतना क्वालिफाइड होकर आप मुझसे पूछ रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ सिखाया जाएगा? आपको इस सब्जेक्ट में सिखाया जाएगा, ठीक है ना बेटा।
तो इस सब्जेक्ट की एक किसी भी मंदिर में एक शॉपकीपर है मिठाई वाला जो ये बांटता रहता है, इसको भी ना अकाउंट का नॉलेज है ना इनको टैक्स की नॉलेज है, लेकिन पैसा का जरूर हिसाब किताब करता होगा पर डे। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ ये जो सिलेबस है 60 मार्क्स का मेरा है, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें 0.25। अगर मान लीजिए 60 में आपने 40 करेक्ट किया तो 40 × 1 40 मार्क्स, तो ये हो जाएगा 20 × 0.25, 5 मार्क्स ये नेगेटिव आ जाएगा, तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा टोटल 35 मार्क्स। तो इसलिए जो क्वेश्चन नहीं होगा उसको छोड़ देना है। ठीक है ना बेटा। अब चलिए, एक सब्जेक्ट है जो टोटली फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप तो जानते हैं लक्ष्मी माँ क्या करती है, फाइनेंस देती है, पैसा देती है, सरस्वती माँ उसको मैनेजमेंट करने की तरीका देती है, और गणेश भगवान इंट्रोडक्शन करते रहते हैं पैसे का। ये पैसा पैसे को अट्रैक्ट करता है, अगर कुछ पैसा आपके पास है तो आप डिपॉजिट करेंगे, वहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपकी पैसा ग्रो होते चला जाता है। ये सब चीज़ें मैंने बताया था, तो मैं अल्टीमेट आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो सब्जेक्ट है 3 बातों को मूल्य आपको सिखाता है। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज या मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, ये बहुत याद होगा मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। अब कौन सी स्टेज से मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस होगा? फ्रॉम द स्टेज ऑफ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना पैसा चाहिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना पैसा, अभी लिखिए मत जस्ट, अब देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना पैसा चाहिए। ठीक है ना बेटा, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना पैसा चाहिए उसको हम क्या करते हैं, इस्टीमेट करते हैं। जैसे मान लो कोई आपको गारमेंट इंडस्ट्रीज स्टार्ट करनी है, तो गारमेंट इंडस्ट्रीज में 2 टाइप का पैसा लगता है, एक तो क्या होता है बेटा फिक्स्ड एसेट्स होता है। फिक्स एसेट्स क्या हो जाएगा, लैंड हो जाएगा, दूसरी उस पे बिल्डिंग बनाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, फिर आपको क्या हो जाएगा बेटा बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी बनाओगे। तो ये सारी आपकी फिक्स इन्वेस्टमेंट है, एक बार आपने इन्वेस्ट किया इसकी बेनिफिट आप लॉन्ग टर्म तक ले सकते हैं, इसकी बेनिफिट आप लॉन्ग टर्म तक ले सकते हैं, दैट इज अ फिक्स इन्वेस्टमेंट। अब बताइए क्या प्लांट एंड मशीनरी अपने आप चलना शुरू कर देगा, क्या अपने आप प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर देगा? नहीं, इसके लिए कुछ अलग सा कैश चाहिए आपको, उस कैश से आप क्या करेंगे, रॉ मटेरियल स्टॉक करेंगे, फिर रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में भेजेंगे वर्क इन प्रोग्रेस के लिए, प्रोडक्शन के लिए, फिर बनेगा तो फिनिश गुड्स आप स्टॉक करेंगे, फिनिश गुड्स स्टॉक करने के बाद आपके पास जो क्या होगा डेटर, कुछ सेल करेंगे तो क्रेडिट पे सेल करेंगे, कस्टमर के पास जाएगा पैसा, और कस्टमर के पास पैसा जाने के बाद आपके पास फिर क्या होगा कैश आएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो एक ऐसा पैसा होता है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मूव करते रहता है, उस पैसे को क्या नाम दिया जाता है, वर्किंग कैपिटल कहा जाता है, दैट मनी इज सेड टू बी वर्किंग, काम करने के लिए पैसा। अब देखिए कोई बच्चा गाजियाबाद से आता है, कोई बच्चा आपको फरीदाबाद से आता है, कोई दूर से आता है, तो दूर से आता है तो उस बच्चे को आने जाने का मान लो पर डे का खर्चा 100 रुपया, मान लो थोड़ी देर एग्जाम्पल के लिए, तो उस बच्चे के मम्मी क्या कहती है कि उसको 200-300 रुपया देती है,
और क्या कहती है, ये 200 रुपया अलग पॉकेट में रख लेना बेटा, इसको खर्च मत करना, लेकिन तू अपने सेफ्टी के लिए पैसा रखे रहना, ऐसे बोलता है कि नहीं बोलता है। तो दैट इज सेट टू बी कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी मैंने अकस्मात कोई खर्च आ गया तब खर्च करना। तो उसी तरह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कंटिंजेंसी के लिए पैसा रखा जाता है और कुछ आने जाने के लिए पर डे जो खर्च होता है। तो एक स्टूडेंट को 100 रुपीज पर डे खर्च है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में पर डे कितना खर्च होता होगा। अब पर डे जो खर्च होता होगा उसको क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल, काम करने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है ना। तो मान लो 15 लाख रुपया आपको फिक्स एसेट चाहिए और 5 लाख रुपया काम करने के लिए चाहिए, तो टोटल आपकी एस्टिमेशन कितना हो गया, 20 लाख रुपीज आपको चाहिए। तो दिस इज सेट टू बी एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस। इसको क्या कहते हैं बेटा, एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि जो पैसा आप एस्टिमेट करेंगे 20 लाख मुझे चाहिए, तो ये पैसा को कहीं ना कहीं से उठाएंगे ना, कहां से पैसा आएगा भाई। तो पैसा हम 3 सोर्सेस जनरली रेज करते हैं, इक्विटी होता है, प्रेफरेंस होता है, डेब्ट और लोन होता है ना। तो ये 3 जगह से पैसा उठाएंगे, तो इसको कहा जाता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस। प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस कहा जाता है। और जब आपके पास पैसा 20 लाख रुपीज आ जाएगा, उस पैसे को क्या करेंगे आप, इफेक्टिव एंड इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस इन योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इन योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सेट टू बी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसको क्या कहते हैं बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मैंने डिफिनेशन क्या क्या बताया बेटा, प्लीज समझिए। सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस, दूसरा क्या होता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस, तीसरा क्या होता है बेटा, इफेक्टिव एंड इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस इन योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव एंड इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस इन योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू बी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है ना बेटा। तो मैंने 3 बातें बताई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस फ्रॉम द स्टेज ऑफ एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बताइए समझ आया कि नहीं आया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिफिनेशन। सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस, दूसरा क्या होता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस, तीसरा क्या होता है, इफेक्टिव एंड इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस इन योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सेड टू बी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बताइए समझ आया कि नहीं आया बेटा, ठीक है। आप बताओ तो बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसे कहते हैं, इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस इन योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बेटा। आप बताओ तो बेटा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी पूछता है कि व्हाट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस फ्रॉम द स्टेज ऑफ एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस इन योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना बेटा। फिर से बोलिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सब कोई बोलेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस फ्रॉम द स्टेज ऑफ एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस इन योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना बेटा। इसको कॉपी कर लीजिए, लिखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस
फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। मैडम एक प्लेयर है जो स्टॉप्ड वर्किंग बोला है, क्लोज द प्रोग्राम। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस फ्रॉम द स्टेज ऑफ एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, यूटिलाइजेशन फाइनेंस इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना बेटा। इंट्रोडक्शन के बाद आप लोग जो चैप्टर कहेंगे, जो दिसंबर वाले बच्चे जो चैप्टर कहेंगे, वो चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना बेटा। उसके बाद एज अ फाइनेंशियल मैनेजर आपको क्या डिसीजन लेना होगा, सुनिएगा बेटा। एज अ फाइनेंशियल मैनेजर आपको तीन चार टाइप के डिसीजन होता है, एक और डिसीजन होता है, पहले इसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग लिखिएगा। एक होता है इसमें पोर्टफोलियो डिसीजन। अब सुनिएगा, ये फोर लीजिए, पहले चार होता था, अब आपको आपके फोर हो गया। अब सुनिए, मार्केट में आपको बहुत सारी कंपनीज है जो कि चल रही है, बहुत सारी सेक्टर्स है। आप सीएस क्वालिफाइड हो गए, फाइनेंशियल सपोर्ट आपके घर का बहुत अच्छा है, आप खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। तो खुद का जब बिजनेस करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए सोचेंगे। तो आप क्या इन्वेस्टमेंट के लिए सोचेंगे, तो जैसी कंपनी आएगी वैसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे, ऐसी तो बात है नहीं। तो आप बहुत सारी कंपनीज के बारे में क्या करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे। जैसे बैंकिंग सेक्टर को आप इवेल्युएट करेंगे, फाइनेंस सेक्टर को इवेल्युएट करेंगे, टेक्सटाइल सेक्टर को इवेल्युएट करेंगे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को आप इवेल्युएट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को आप इवेल्युएट करेंगे, ठीक है ना, आयरन, ठीक है ना, गारमेंट इंडस्ट्रीज, गारमेंट साइड को आप इवेल्युएट करेंगे। तो बहुत सारी प्रोजेक्ट को इवेल्युएशन करेंगे और जो आपके लिए बेस्ट होगा उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि सब जगह इन्वेस्ट करेंगे। तो ये काम किसका होता है, एज अ फाइनेंशियल मैनेजर का होता है। तो उसको कहेंगे क्या, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहा जाता है। इवेल्युएशन ऑफ सेवरल प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू सेलेक्ट वन। बहुत सारे प्रोजेक्ट को इवेल्युएट तो करेंगे लेकिन सेलेक्ट किसको करेंगे, किसी एक को करेंगे, दैट इज सेड टू बी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, सपोज कीजिए आपने टेक्सटाइल सेक्टर को आपने इन्वेस्ट करने के लिए सोचा और टेक्सटाइल सेक्टर में 5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ये 5 करोड़ रुपीज आप कैसे आप फाइनेंस कराओगे, कितना पैसा आप इक्विटी से रेज करोगे, कितना आपका प्रेफरेंस होगा, कितना आपका डेप्ट होगा, कितना करंट लोन होगा, ये सबको आपको क्या कहा जाता है, फाइनेंसिंग डिसीजन कहा जाता है। जो पैसा हमें चाहिए वो पैसा को कैसे फाइनेंस कराएंगे। और तीसरा क्या होता बेटा, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में क्या हम स्टडी करते हैं, सपोज कीजिए ईपीएस अर्निंग पर शेयर, आपके पास रुपीज 10 है और डिविडेंड पर शेयर आपके पास रुपीज 6 है,
आपको रिटर्न अर्निंग बोलता है, इसको कहते हैं रिटर्न अर्निंग। हमने कितना पैसा बचाया फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, वो ₹4 है। तो डिविडेंड डिसीजन में हम क्या करते हैं, पार्ट ऑफ द अर्निंग व्हिच इज पेड एज अ डिविडेंड एंड पार्ट ऑफ द अर्निंग रिटेन फॉर द फर्दर री इन्वेस्टमेंट, रिटेन फॉर द फर्दर री इन्वेस्टमेंट इज सेड टू बी डिविडेंड पॉलिसी। तो यहां पे डिसीजन लेंगे कि कितना हम डिविडेंड देंगे, कितना डिविडेंड देना चाहिए और कितना रिटेन करना चाहिए ताकि इक्विटी की वेल्थ इंक्रीज करे, शेयर होल्डर का वेल्थ इंक्रीज करे। तो दैट डिसीजन यू हैव टू टेक इन द डिविडेंड डिसीजन। मॉडर्न फाइनेंस में एक और डिसीजन आ गया है, पोर्टफोलियो डिसीजन। पोर्टफोलियो डिसीजन में क्या होता है, आपके पास सपोज कीजिए 10 लाख रुपीज है, आप कंपनी नहीं खोल सकते लेकिन आप चाहते हैं किसी कंपनी का मालिक बनना, तो आउट ऑफ 10 लाख आप जाएंगे कैपिटल मार्केट में और कैपिटल मार्केट में हजारों कंपनी पड़ी हुई है, आप टाटा मोटर में इन्वेस्ट कर दिए, आप रिलायंस का जियो में इन्वेस्ट कर दिया आपने, ठीक है, आप इंफोसिस में आपने इन्वेस्ट कर दिया, मालिक बन गए। अरे मान लिया जाए एक शेयर का आपने खरीद लिया, एक शेयर का मालिक तो बन गए ना आप, तो आपको यहां पे जाकर कैपिटल मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं उसके बारे में जब डिसीजन लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, पोर्टफोलियो डिसीजन कहा जाता है, दैट इज अ पोर्टफोलियो डिसीजन। तो आपको एज अ फाइनेंशियल मैनेजर तीन टाइप का, चार टाइप का डिसीजन लेना होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन और लास्ट में क्या हो जाता है, पोर्टफोलियो डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या करते हैं, इवेल्युएशन ऑफ सेवरल प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू सिलेक्ट वन, इन ऑर्डर टू सिलेक्ट वन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या करते हैं, इवेल्युएशन ऑफ सेवरल प्रोजेक्ट्स, इवेल्युएशन ऑफ सेवरल प्रोजेक्ट्स इन ऑर्डर टू सिलेक्ट वन, इन ऑर्डर टू सिलेक्ट वन। फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या करते हैं, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ रेजिंग योर कैपिटल रिक्वायर्ड, योर फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर, फॉर मिनिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और डिविडेंड डिसीजन में क्या करते हैं, द पार्ट ऑफ द अर्निंग व्हिच इज पेड एज अ डिविडेंड और रिटेन, कितना पार्ट हम डिविडेंड पे करेंगे, कितना पार्ट हम क्या करेंगे, रिटेन करेंगे। पोर्टफोलियो डिसीजन में सिलेक्टिंग बंडल ऑफ सिक्योरिटीज फॉर मैक्सिमाइजिंग रिटर्न, मिनिमाइजिंग रिस्क, तो ये तीन होता है। तो आपको चार टाइप का डिसीजन लेना होता है, उसको लिख लीजिएगा, लिखिएगा एज अ फाइनेंशियल मैनेजर 4 डिसीजन हैज टू टेक, ठीक है, लिख लीजिएगा प्लीज, 4 डिसीजन लेनी होती है, 4 डिसीजन लेना होता है। एज अ फाइनेंशियल मैनेजर 4 डिसीजन लेना होता है, इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, पोर्टफोलियो डिसीजन, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, पोर्टफोलियो डिसीजन। पोर्टफोलियो डिसीजन, ठीक है ना बेटा। अब सुनिए, इन्वेस्टिंग डिसीजन क्या होता है, इन्वेस्टिंग डिसीजन को लिख लीजिएगा, इवेल्युएशन ऑफ सेवरल प्रोजेक्ट टू सिलेक्ट वन। इन्वेस्टिंग डिसीजन में क्या लिखेंगे, इवेल्युएशन ऑफ सेवरल प्रोजेक्ट टू सिलेक्ट वन। Evaluation of several project in order to select one. In order to select one. Investing decision, evaluation of several project in order to select one.
फाइनेंसिंग डिसीजन लिखेंगे। फाइनेंसिंग डिसीजन में अरे बेटा लिख लो लिख लो, फोटो मत खींचो, लिखो, लिखने से बहुत फायदा है बेटा। फाइनेंसिंग डिसीजन एप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ रेजिंग कैपिटल, एप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ रेजिंग कैपिटल फॉर मिनिमाइजिंग रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फॉर मिनिमाइजिंग रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ रेजिंग कैपिटल फॉर मिनिमाइजिंग रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिविडेंड डिसीजन में क्या होता है बेटा बताइए, अंडर डिविडेंड डिसीजन वी हैव टू डिसाइड वेदर इट इज अ बेटर डिसीजन टू पे अ डिविडेंड और नॉट। अंडर डिविडेंड डिसीजन वी हैव टू डिसाइड वेदर इट इज अ बेटर डिसीजन टू पे अ डिविडेंड और नॉट, क्या हमें डिविडेंड पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अंडर डिविडेंड डिसीजन वी हैव टू डिसाइड वेदर इट इज बेटर डिसीजन टू पे अ डिविडेंड और नॉट। पोर्टफोलियो डिसीजन होता है सेलेक्टिंग अ बंडल ऑफ सिक्योरिटीज, सेलेक्टिंग अ बंडल ऑफ सिक्योरिटीज फॉर मैक्सिमाइजिंग रिटर्न, सेलेक्टिंग अ बंडल ऑफ सिक्योरिटीज फॉर मैक्सिमाइजिंग रिटर्न एंड मिनिमाइजिंग रिस्क, मैक्सिमाइजिंग रिटर्न एंड मिनिमाइजिंग रिस्क, सेलेक्टिंग अ बंडल ऑफ सिक्योरिटीज फॉर मैक्सिमाइजिंग रिटर्न एंड मिनिमाइजिंग रिस्क। अब देखिएगा ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपके एक चैप्टर है कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग आपका एक चैप्टर है, इसमें मैं बताऊंगा, ठीक है ना बेटा। फाइनेंसिंग डिसीजन एक चैप्टर है आपका, फाइनेंसिंग डिसीजन करके चैप्टर ही है, इसमें तीन पार्ट पढ़नी होती है, लीवरेज, ईबीआईटी, ईपीएस, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये आपको वहां पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लीवरेज, ईबीआईटी, ईपीएस, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड डिसीजन का एक अलग सा डिविडेंड पॉलिसी करके, डिविडेंड पॉलिसी करके एक अलग सा चैप्टर है जो मैं आपको क्लास कराऊंगा। और यहां पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करके एक अलग सा चैप्टर है आप लोग का, ये सबका अलग अलग सा चैप्टर है जो हम डिटेल में स्टडी करेंगे, वहां पे हम डिटेल में आपको स्टडी करेंगे, ठीक है ना बेटा। अब आपको मैक्सिमम बच्चे यहां पे दिसंबर वाले बच्चे हैं, और यहां पे हमारी इंस्टीट्यूट में बहुत सारी मोड है पढ़ने का, बहुत सारे बच्चे डीटीएस ले रहे हैं, कुछ गूगल ड्राइव ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, तो बताइए कौन सा चैप्टर शुरू करूं, दिस वाज द इंट्रोडक्शन। हाँ जी, फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन हुआ है आप लोग का, तो हम तो स्टार्टिंग से कराना पड़ेगा ना, तो बताइए फाइनेंसिंग डिसीजन स्टार्ट करूं बेटा, फाइनेंशियल डिसीजन सबको समझ आएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा बेटा, बहुत आसान चैप्टर है, स्टार्ट किया जाए फाइनेंसिंग डिसीजन। तो मैं इस स्लाइड को बंद करता हूं, यहां तक समझ आ गया ना बेटा आप लोगों को,
ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, कोई प्रॉब्लम? चलिए बेटा प्लीज लिखिएगा, फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन प्लीज लिखिए बेटा, फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन ठीक है ना बेटा? अब देखिए एकदम अच्छे से पढ़िएगा इस चैप्टर को, बहुत कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर है। हमेशा क्वेश्चन एटलीस्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से होता है, 60 में 10 नंबर इस चैप्टर से होता है, और 10 नंबर आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन होता है, तो 20 नंबर तो यही हो गया। तो इस चैप्टर को पढ़िए, मैं आप लोग को कन्विंस करूंगा कि ये एफएम का जो सब्जेक्ट है वो नॉलेज की पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे आप। फाइनेंसिंग डिसीजन में ऑलमोस्ट पहले में ही मैंने बता चुका है कि आपके पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। अगर सपोज कीजिए आपने 20 लाख रुपीज आपको रिक्वायरमेंट है, तो ये 20 लाख रुपीज हम इक्विटी से पैसा कितना उठाया जाए, डेप्ट से कितना पैसा उठाया जाए, प्रेफरेंस से कितना पैसा उठाया जाए, आपके माइंड में होगा। और ये पैसा ऐसे उठाया जाए ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसे कहा जाता है प्लीज आप देखिए। सपोज कीजिए मैंने 5 लाख रुपीज मैंने प्रेफरेंस इक्विटी से उठाया, हमने 5 लाख रुपया डेब्ट से उठाया, हम प्रेफरेंस से 10 लाख रुपीज उठाएंगे। मान लो कोई भी इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, पैसा लगाएगा, उस इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन होता होगा कि नहीं होता होगा कि भाई हमने इस कंपनी में पैसा लगाया तो मुझे इतना पैसा रिटर्न मिलेगा, ऐसा होता होगा कि नहीं होता होगा? तो डेप्थ सोचता है कि मुझे 8% का रिटर्न आएगा, पैसा लगाया तो 8% हम कमाएंगे। आप भी कहीं में पैसा बैंक में भी डिपॉजिट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? तो इन्वेस्टर मस्ट हैव सम रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना? मान लो प्रेफरेंस पे उसने कहा कि 10% हम कमाएंगे, और इक्विटी को कहा जब सबसे ज्यादा रिस्क लेता है, मालिक होता है, तो ज्यादा कमाएगा, तो इसका एक्सपेक्टेशन कितनी है? 12% है। अब आप कहेंगे कि सर 8%, 10%, 12% कैसे आपने कैलकुलेट किया? तो उसके लिए एक अलग सा चैप्टर है, दैट इज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसको कौन सा चैप्टर है? तो जब मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल कराऊंगा तो वहां पे बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है ना बेटा? अभी मान लीजिए ये एक्सपेक्टेशन है उनकी, इन्वेस्ट पैसा का अपना सोच है कि इतना पैसा मैं कमाऊंगा, तो आपकी इक्विटी का एक्सपेक्टेशन कितनी है? एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी हम क्या कहेंगे, 12% ऑफ 5 लाख कितना हो जाएगा बताइए आप? ये 60,000 इक्विटी का एक्सपेक्टेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा बेटा? ठीक है,
एक्सपेक्टेशन ऑफ डेट 8% ऑफ 5 लाख 40,000 हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रेफरेंस कितना हो जाएगा बेटा, 10% ऑफ 10 लाख 1 लाख, 10 लाख है ना, ये 1 लाख हो जाएगा। तो कॉस्ट फॉर 20 लाख कैपिटल के लिए कितना हो जाएगा, सारे को ऐड करेंगे तो 2 लाख हो जाएगा ना बेटा। कॉस्ट फॉर 20 लाख 2 लाख, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कितना हो जाएगा, 2 लाख कॉस्ट हो गया कितनी कैपिटल पे, यहां पे 20 लाख इन्वेस्टमेंट के बाद हमारे पास कॉस्ट कितना पड़ गया, तो कितना 10% कॉस्ट पड़ गया ना बेटा। तो इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आपको दो बातें आपकी माइंड में होनी चाहिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि उस प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा चाहिए। सबसे पहले क्या सोचना पड़ेगा बेटा, किसी भी बिजनेस के लिए कितना पैसा चाहिए और वह पैसा कहां से आएगा, वह पैसा कहां से आएगा। अब वो पैसा कहां से आएगा ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो और साथ साथ आपका रिस्क भी क्या हो, कम हो। बताइए ये प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि नहीं बिजनेसमैन का, है ना बेटा। क्या प्राइम ऑब्जेक्टिव है किसी भी बिजनेसमैन का, कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें कितना पैसा चाहिए, पहला। और जो पैसा चाहिए वह पैसा कहां से आएगा ताकि आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या लगे, सबसे कम हो और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ साथ क्या है, आपका रिस्क भी कम हो, ठीक है ना बेटा। और इसी दो बातों की डिसीजन, इसी दो बातों की नॉलेज आपको फाइनेंसिंग डिसीजन में हम पढ़ते हैं। इसी दो बातों को लेकर हम क्या करते, कहां पे पढ़ते हैं बेटा, फाइनेंसिंग डिसीजन में पढ़ते हैं, ठीक है ना बेटा। तो आप बताओ तो बेटा फाइनेंसिंग डिसीजन क्या चीज का आंसर देता है, खड़े हो जाओ अच्छे से बोलो एकदम बुलंद, भारत की बुलंद तस्वीर। हाँ अच्छे ठीक है, आप बताओ बेटा, आप भी सोई रहती है, बोलो जोर से बोलो ताकि सारे बच्चे सुने। एक बार और मैं बोलता हूं, बाकी सबसे पूछूंगा। फाइनेंसिंग डिसीजन दो बातों को आंसर देता है, आप लोग भी ऐसे ही बोलिएगा, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने पैसे की आवश्यकता है और जो पैसे की आवश्यकता है वह पैसा हम कहां से लेकर आएंगे ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आ जाए और रिस्क भी कम हो जाए। अंकित आप बताइए फाइनेंशियल रीजन क्या चीज का दिशा बताता है, हाँ ठीक है बहुत अच्छा। फिर से मैं पूछ बताता हूं बेटा, फाइनेंसिंग डिसीजन दो बातों का हमें नॉलेज देता है, किस किस बातों का बेटा, सबसे पहले बताइए किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी काम करने के लिए कितना पैसा चाहिए और जो पैसा चाहिए वह पैसा कहां से लाया जाए ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो साथ साथ हमारी बिजनेस का रिस्क भी कम हो। बताइए समझ आया कि नहीं आया बेटा, फिर से मैं जिसे बोलूंगा वही बताएगा बेटा, लास्ट में आप बताओ तो बेटा फाइनेंसिंग डिसीजन बताइएगा प्लीज।
किसे कहा जाता है? रिस्क भी कम हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, प्लीज बैठिए। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि किसी भी बिजनेस के लिए कितना पैसा चाहिए, और जो पैसा चाहिए वह पैसा हम कहां से लेकर आए ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम लगे और साथ साथ रिस्क भी कम हो, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सा है कि किसी भी बिजनेस के लिए कितना पैसा चाहिए और वो पैसा कहां से लाया जाए ताकि आपका रिस्क भी कम हो, रिस्क के कम के साथ साथ क्या हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम हो। समझ आ गया बेटा? फाइनेंसिंग डिसीजन किसे कहा जाता है, आप बताओ बेटा, थोड़ा जोर से बोलना ताकि सारे बच्चे सुनेंगे। चलो बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। मुझे विश्वास है कि सारे बच्चे समझ गए होंगे। इसको लिखवा दूं बेटा मैं? चलिए मैं लिखवा देता हूं। फाइनेंशियल डिसीजन, टोटल कैपिटल रिक्वायर फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टोटल कैपिटल रिक्वायर फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड द सोर्सेज ऑफ रेजिंग सोर्सेज ऑफ सच कैपिटल द सोर्सेज ऑफ सच कैपिटल टोटल कैपिटल रिक्वायर फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोर्सेज ऑफ सच कैपिटल फॉर मिनिमाइजिंग रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर मिनिमाइजिंग रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर मिनिमाइजिंग रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर मिनिमाइजिंग रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो फाइनेंसिंग डिसीजन हमें क्या चीज दी, दो बातों को जानकारी देता है बेटा। फाइनेंसिंग डिसीजन पढ़ने से हमें दो चीजों की नॉलेज होती है, किसी भी बिजनेस के लिए कितना कैपिटल की रिक्वायरमेंट है पहला, और दूसरा सोर्स ऑफ सच कैपिटल, जो कैपिटल चाहिए वो कहां से उठाएंगे फॉर मिनिमाइजिंग रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझ आ गया बेटा? आगे बढ़ा जाए। अब सुनिए, इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स है, ये दो आंसर देने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स है, लेकिन आपकी सिलेबस में दो टेक्निक को स्टडी करनी है। अब वो दो टेक्निक क्या है, लिवरेज एनालिसिस और ईबीआईटी एनालिसिस, ठीक है ना बेटा। तो क्या लिखा गया, देर आर सेवरल टेक्निक्स टू फाइंड अबव कंपोनेंट्स, आउट ऑफ दोज टेक्निक्स लिवरेज एनालिसिस एंड ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस आर मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्निक्स। बहुत सारे टेक्निक्स है जिसमें दो टेक्निक आपके लिए जरूरी है, अब वो कौन कौन सा जरूरी है बेटा, एक तो लिवरेज एनालिसिस और दूसरा ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। प्लीज लिखिए, देर आर सेवरल टेक्निक्स टू फाइंड अबव कंपोनेंट्स, देर आर सेवरल टेक्निक्स टू फाइंड अबव कंपोनेंट्स, प्लीज लिखिए, देर आर सेवरल टेक्निक्स टू फाइंड अबव कंपोनेंट्स, देर आर सेवरल टेक्निक्स टू फाइंड अबव कंपोनेंट्स, आउट ऑफ दोज टेक्निक्स लिवरेज एनालिसिस एंड ईवीआईटी ईपीएस एनालिसिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स। लिवरेज एनालिसिस एंड ईवीआईटी ईपीएस एनालिसिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स, ठीक है ना बेटा। अब चलिए, लिवरेज एनालिसिस एंड ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स।
ठीक है बेटा। फाइनेंसिंग डिसीजन हमें दो बातों को डिसीजन देता है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है सबसे पहला, दूसरा जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो पैसा हम कहां से उठाएंगे ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो और साथ साथ रिस्क भी कम हो। इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स है और उस टेक्निक्स में दो टेक्निक इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है। कौन कौन सी टेक्निक इंपॉर्टेंट है बेटा? एक तो लीवरेज एनालिसिस है और दूसरा ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। आगे बढ़ा जाए बेटा, यहां तक सबको समझ आ गया बेटा? अब देखिएगा, ईबीआईटी का मतलब क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईपीएस का मतलब क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। प्लीज इसको लिख लीजिए। EBIT का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EPS का मतलब अर्निंग पर शेयर। हालांकि इसका फुल फॉर्म आप लोग पहले से भी जानते होंगे, 12th क्लास में भी EBIT आता होगा ना, कोई साइंस का बच्चा होता है उसको नहीं आता होगा। अब सुनिए, यहां पे हम स्टार्ट कर रहे हैं लीवरेज एनालिसिस। लीवरेज एनालिसिस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लिखिए लीवरेज एनालिसिस। लीवरेज एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं, लीवरेज एनालिसिस। इसको बहुत अच्छे से प्लीज पढ़ना है, लीवरेज एनालिसिस को प्लीज पहले समझिए बातों को। हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप की वेरिएबल्स होता है, एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं? ऐसी वेरिएबल जो दूसरे पे डिपेंड होता है। जैसे हम अपनी एडवर्टाइजमेंट को इंक्रीज करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट के बारे में बहुत लोग जानेगा और हमारी प्रोडक्ट की बेनिफिट लोगों को सेटिस्फाई करेगा, लोगों का टेस्ट नीड ऑब्जेक्टिव मीट होगा हमारी प्रोडक्ट से, तो हमारी सेल क्या होगा बेटा बताइए? इंक्रीज करेगा। आपकी प्रोडक्ट के बारे में कोई नहीं जानता है जबकि आपकी प्रोडक्ट लाखों में एक है, क्या सेल होगा? कोई जानता ही नहीं तो खरीदेगा क्या? कोई नहीं खरीदेगा ना। तो इट मींस आवर सेल्स डिपेंड्स अपॉन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना। और सेल और प्रॉफिट में डायरेक्टली रिलेशन है कि नहीं है? सेल इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट इंक्रीज, और सेल डिक्रीज करेगा तो प्रॉफिट। तो हमारी प्रॉफिट किस पे डिपेंड है? सेल्स पे डिपेंड है कि नहीं? अब सुनिए, जब हमारी प्रॉफिट इंक्रीज करेगा तो इसमें डेप्ट को पैसा हम क्या देते हैं? फिक्स्ड डेप्ट को। डेप्ट क्या होता है? लोन होता है। लोन पे फिक्स इंटरेस्ट होता है कि नहीं? चाहे प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट ना हो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। प्रेफरेंस को आपको क्या करना पड़ेगा? फिक्स। प्रेफरेंस को भी क्या देना पड़ेगा बेटा? फिक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? डेप्ट को फिक्स, प्रेफरेंस को फिक्स,
जो पैसा बच जाएगा वो किसका हो जाएगा? मान लिया जाए, मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, प्लीज आप देखिए। एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी, एक कंपनी है सी। प्रॉफिट यहां पे 2 लाख, यहां पे 3 लाख, यहां पे 4 लाख। डेब्ट की पैसा हमने कितना दिया? 50,000, 50,000, 50,000। मान लो सेम डेब्ट का पैसा, इंटरेस्ट फिक्स, डेब्ट का क्या है? हमारी प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है। मानो यही कंपनी है ए ए ए, प्रिफरेंस का कितना पैसा? मान लो 75,000, 75,000, 70। अब बताइए इक्विटी का कितना पैसा हो गया? 125, 75,000 होगा, 75,000 होगा कि नहीं होगा बेटा? यहां पे 1,75,000 हो जाएगा, यहां पे 2,70,000। अब बात को समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। डेब्ट को पैसा फिक्स देते हैं, प्रिफरेंस को फिक्स, प्रिफरेंस डिविडेंड दिया जाता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट ना हो, उससे ज्यादा पैसा आपको नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा पैसा आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए यहां पे 10,000 शेयर है, 10,000 इक्विटी शेयर है, 10,000 इक्विटी शेयर है, ईपीएस कितना हो जाएगा? 7.5, 17.5, 27.5, ऐसे होगा कि नहीं होगा? आप तो इतना जानते हैं कि डेप्ट इज अ फिक्स फाइनेंशियल चार्जेज, डेप्ट को इंटरेस्ट फिक्स मिलता है कि नहीं मिलता है, प्रेफरेंस को फिक्स प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना बेटा। तो इनको पैसा फिक्स, प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो ज्यादा प्रॉफिट किसको मिलता है, और ज्यादा लॉस किसको होता है? अरे मालिक को ही तो सब कुछ होगा। मान लिया जाए यहां पे नितेश कुमार जायसवाल के पास स्टूडेंट नहीं आया सर, स्टूडेंट सब नहीं आया, पूरे कोरोना काल में उन्होंने मेट्रो के सामने 4 लाख में रेंट लेकर बैठे थे, स्टूडेंट आया ही नहीं, तो कहां से पैसा दिए थे वो? उनके पापा जमीन बेच कर दिए थे उनको, बात सही है ना? पैसा आया ही नहीं, रेंट देना ही है, स्टाफ का खर्च देना ही है, वो फिक्स है। अब बच्चा आना शुरू हो गया, एचएल गुप्ता को तो पार्ट देना है ना छोटा सा, बाकी पैसा तो उन्हीं को होगा ना। तो ऑनर को दो बातें, रिस्क भी है रिवार्ड भी है, साथ साथ लॉस बियर करने का भी उसके पास हिम्मत होना चाहिए, बात सही है कि नहीं है? तो ये जो सारा जो ऑनर होता है, ऑनर के पास हाई प्रॉफिट और लो प्रॉफिट और लॉस बियर करने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो वही इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है बेटा? ऑनर होता है कंपनी का। तो हमारी अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारी ईपीएस भी बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा तो ईपीएस भी कम होगा। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको समझ आया कि नहीं आया बताइए? आगे बेटा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझ आ गया एकदम अच्छे से? समझ आ गया बेटा? आगे बढ़ा जाए, अब सुनिएगा प्लीज। सेल्स वही ना, डिपेंडेंट वेरिएबल। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट है, थोड़ा मैं छोटा लिख दिया हूं, प्लीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप हम पढ़ने जा रहे हैं लीवरेज एनालिसिस, लेकिन लीवरेज एनालिसिस बताते बताते मैंने आपको कहां चला गया? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताने, क्योंकि इससे रिलेशन है। लीवरेज एनालिसिस क्या बोलता है प्लीज आप लोग देखिए,
लीवरेज एनालिसिस क्या बतलाता है उसको प्लीज समझिए। अगर हम 1% एडवर्टीजमेंट चेंज करेंगे तो कितना परसेंट सेल चेंज होगा? अगर 1% सेल चेंज करेंगे तो कितनी परसेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेंज होगा? अगर 1% ईबीआईटी चेंज करेंगे तो कितना परसेंट ईपीएस चेंज होगा? उसको क्या बतलाता है? लीवरेज एनालिसिस बताता है। लीवरेज एनालिसिस अल्टीमेटली क्या बतलाता है, प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करेंगे कि लीवरेज एनालिसिस बताता है कि भाई साहब अगर 1% हम चेंज करेंगे लीवरेज एनालिसिस, लीवरेज एनालिसिस बताता है कि परसेंटेज चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, परसेंटेज चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एवरी 1% चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फॉर एवरी 1% चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लीवरेज एनालिसिस क्या बताता है? परसेंटेज चेंज ऑफ डिपेंडेंट फॉर एवरी 1% चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। 1% से चेंज करेंगे, मान लिया जाए एडवर्टीजमेंट और सेल्स में लीवरेज आपको आ गया 4 का मतलब क्या हुआ? एडवर्टीजमेंट और सेल्स का लीवरेज आ गया 4 सपोज करो, तो 4 का मतलब क्या होता है? 4 का मतलब होता है कि अगर 1% एडवर्टीजमेंट चेंज करेंगे ना तो 4% आपका क्या चेंज हो जाएगा? सेल्स चेंज हो जाएगा। लीवरेज एनालिसिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लीवरेज एनालिसिस अ रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट रिप्रेजेंट्स परसेंटेज चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, परसेंटेज चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, परसेंटेज चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एवरी 1% चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फॉर एवरी 1% चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है ना? लीवरेज एनालिसिस द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में रिलेशन है। क्या बताता है? कि कितना परसेंट से डिपेंडेंट चेंज होगा, कितना परसेंट से डिपेंडेंट चेंज होगा? 1% से इंडिपेंडेंट चेंज होगा, तो 1% से अगर इंडिपेंडेंट चेंज होगा तो कितना परसेंट से डिपेंडेंट चेंज होगा, बताइए। समझ आया कि नहीं है बेटा? आगे ना बेटा बताइए फिर से, कौन बताएगा? हाँ बेटा आप बताओ तो, लिवरेज क्या कहता है? हाँ ठीक है, हाँ इंडिपेंडेंट के 1% चेंज होने से, 1% जरूर बताना, इंडिपेंडेंट के 1% चेंज होने से डिपेंडेंट कितना चेंज होगा उसको बतलाता है लीवरेज एनालिसिस। समझ आ रहे ना बेटा? आप बताइए लीवरेज एनालिसिस क्या क्या चीज की बीच की रिलेशन है? कितना परसेंट डिपेंडेंट चेंज होता है? 1% इंडिपेंडेंट चेंज होने से, 1% इंडिपेंडेंट चेंज होने से। सिंपल सा डिफिनेशन है, लीवरेज एनालिसिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इट स्टेट्स परसेंटेज चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, परसेंटेज चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एवरी 1% चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फॉर एवरी 1% चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बताइए लीवरेज एनालिसिस द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इट स्टेट्स परसेंटेज चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एवरी 1% चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ आ गया बेटा? आप बताइए। हाँ हाँ
लिवरेज एनालिसिस रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, प्लीज बैठिए, लिवरेज एनालिसिस रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट स्टेट्स परसेंटेज चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, परसेंटेज चेंज ऑफ फॉर एवरी 1% चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्लियर है ना बेटा? आप बताओ तो बेटा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हाँ जी एकदम सबको एकदम याद हो गया बेटा, लिखवा दूं मैं इसको लिवरेज एनालिसिस का रिलेशनशिप, प्लीज आप लोग ये कॉपी कर लिए बेटा, ये कॉपी कर लिया लिवरेज का इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वाला कॉपी कर लिया बेटा आप लोगों ने, प्लीज कॉपी कर लीजिए। प्लीज कॉपी कर लीजिए, प्लीज कॉपी कर लो। कॉपी कर लीजिए बेटा। हो गया, लिवरेज एनालिसिस अ रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट स्टेट्स परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एवरी 1% चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फॉर एवरी 1% चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्लियर हो गया ना बेटा? आगे बढ़ा जाए, अब चलिए, हाँ रिस्क बोला जाता है वो बाद में पढ़ाऊंगा मैं, ग्रेजुअली आएगा ना, अब प्रैक्टिकल कराऊंगा तब पता चलेगा। वो लिखिए मैंने क्या लिखाया था, लिवरेज एनालिसिस रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट रिप्रेजेंट परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एवरी 1% चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लिवरेज एनालिसिस रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट रिप्रेजेंट परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एवरी 1% चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लिवरेज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, परसेंटेज चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है ना, लिखिए ये आपने फॉर्मूला लिख लिया बेटा, लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ लिवरेज, ऑन द बेसिस ऑफ लिवरेज वी फाइंड रिस्क ऑफ द कंपनी, we find a risk of the company
ऑन द बेसिस ऑफ लीवरेज वी फाइंड रिस्क ऑफ द कंपनी। दो टाइप का रिस्क होता है, एक तो ऑपरेटिंग रिस्क होता है, एक क्या होता है ऑपरेटिंग और बिजनेस रिस्क आ जाता है, और दूसरा क्या होता है फाइनेंशियल रिस्क। लिखिए, देर आर टू टाइप ऑफ रिस्क, देर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क, देर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क, देर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क। एक होता है ऑपरेटिंग, यहां पे ऑपरेटिंग और बिजनेस रिस्क, रिस्क तो बहुत टाइप का होता है लेकिन इसमें दो टाइप का होता है, ठीक है ना। और दूसरा होता है फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेटिंग और बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना बेटा। ठीक है, अब सीखिए, मैं रिवाइज कराता हूं। सबसे पहले फाइनेंशियल डिसीजन हमने स्टार्ट किया। फाइनेंशियल डिसीजन हमें किस बात का आंसर देता है बेटा, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको कहां से उठाएंगे ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाए और साथ साथ रिस्क भी कम हो जाए। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी बात, इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स है, उस टेक्निक्स में हम दो टेक्निक को स्टडी करते हैं। वो टेक्निक क्या क्या है, एक तो लीवरेज एनालिसिस है, दूसरा ईवीआईटी ईपीएस एनालिसिस। क्लियर है ना। अब देखिए, लीवरेज एनालिसिस क्या कहा जाता है, यह एक रिलेशनशिप है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, ठीक है। यह क्या बतलाता है कि 1% अगर इंडिपेंडेंट चेंज होगा तो कितना परसेंट डिपेंडेंट चेंज होगा। क्लियर है ना बेटा। लीवरेज एनालिसिस के बेसिस पे हम रिस्क को पता करते हैं कंपनी का, ठीक है। कितने टाइप के रिस्क, दो टाइप का, एक तो ऑपरेटिंग और बिजनेस रिस्क, दूसरा क्या होता है फाइनेंशियल रिस्क। इतना तक याद हो गया, आगे बढ़ा जाए। एक एग्जांपल के बेस पे मैं आपको समझाना चाहता हूं, एक एग्जांपल के बेस पे सुनिएगा। मैं उस एग्जांपल को बहुत अच्छे से पहले आपको समझा देना चाहता हूं, उस एग्जांपल को पहले समझिएगा, उसके बाद मैं लिखाऊंगा, ठीक है ना बेटा। देखिएगा, सपोज कीजिए हम दो डाटा ले रहे हैं, आप लिखना मत, एक तो सेल का डाटा है और दूसरी आपकी एडवर्टाइजमेंट की डाटा है। यहां पे ईयर वन ईयर टू, अब सुनिएगा, जब हमारे पास एडवर्टाइजमेंट हमारे पास 20,000 था तो हमारी सेल 50 लाख की थी। एडवर्टाइजमेंट 20 से 30,000 हमने कर दिया तो हमारी सेल हो गई 60 लाख, हमारी सेल हो गई 60 लाख। ये कंपनी का 2 साल का डाटा है। आपका नाम क्या है बेटा? हाजी आंसू, आंसू आप खड़े हो जाओ। आप आईसीआईसी बैंक में गए एज ए फाइनेंस मैनेजर का काम करने के लिए, आपको किसी कंपनी की इवेल्युएशन करने के लिए वहां पे भेजा गया और वो कंपनी को आपका 2 साल का डाटा फाइंड आउट हुआ कि आपको पहले साल में जब 20,000 एडवर्टाइजमेंट किया तो आपकी सेल 50 लाख की थी और जब 30,000 सेल किया गया तो आपकी सेल 60 लाख की थी। आपसे आईसीआईसी का चेयरमैन आपसे बोला जाके उसको इवेल्युएट करके आओ कि उस कंपनी का
लीवरेज एनालिसिस क्या है, कैसे निकालोगे आप? उन्होंने कहा एडवर्टाइजमेंट के चेंज, बैठी प्लीज आंसर, उन्होंने कहा कि एडवर्टाइजमेंट की चेंज देखेंगे, फिर हमने सेल का चेंज देखेंगे और फॉर्मूला का बना देंगे। बड़ी अच्छी बात है, ठीक है ना। अब देखिए उन्होंने चेंज क्या देखा, यहां पे चेंज उन्होंने कहा कि चेंज देखेंगे, तो चेंज कितना हुआ 20 से, तो कितना चेंज हुआ यहां पे, यहां तक क्लियर होगा ना। लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, लीवरेज प्लीज, लीवरेज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट, परसेंटेज चेंज इन इनडिपेंडेंट। अब आंसू तुम बताओ यहां पे क्या लिखोगे, परसेंटेज चेंज इन बताओ, डिपेंडेंट डिपेंडेंट सेल एडवर्टाइजमेंट बोला जाता सेल। अरे हमारी जो सेल है एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड करता है, ऐसा थोड़ी हमारी एडवर्टाइजमेंट सेल पे डिपेंड करता है। तो ऐसा होगा तो खूब लोग सेल करेगा, एडवर्टाइजमेंट करेगा ही नहीं। हमारी एडवर्टाइजमेंट जितना इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा सेल बढ़ेगा, ठीक है ना। तो परसेंटेज चेंज इन सेल ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है बेटा, सबको समझ आया ना, परसेंटेज चेंज इन सेल। अब फिर नीचे क्या लिखेंगे, इंडिपेंडेंट परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? हाँ जी बेटा, सबको समझ आ गया ना। मैंने सेल ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट और सेल में सेल डिपेंडेंट है, सेल डिपेंडेंट है, सेल डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड करता है सेल एडवर्टाइजमेंट पे। सेल किस पे डिपेंड करता है, एडवर्टाइजमेंट पे। सेल हमारी किस पे डिपेंड करता है, एडवर्टाइजमेंट पे। यहां तक क्लियर हो गया ना बेटा, हमारी सेल एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड करता है। तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट, यहां तक क्लियर हो गया। इसका मतलब लीवरेज निकालने के लिए दोनों का परसेंटेज चेंज निकालना पड़ेगा, क्लियर हो गया ना। लीवरेज निकालने के लिए दोनों का परसेंटेज चेंज निकालना पड़ेगा। अब बताओ बेटा, आप बताओ अंकित, परसेंटेज चेंज का क्या फॉर्मूला होता है? ए बेटा परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बताओ, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू, अगर 20 से 50 हो गया, 20 से 50 हो गया तो चेंज कितना हुआ, 30। परसेंटेज चेंज क्या लिखेंगे, 30 चेंज हुआ, 20 पहले था, ऐसे ऐसे ही लिखेंगे ना अंकित, यही होता है ना। मैं एग्जामिनेशन के दिन लिखा दो दिन पहले कि सर प्लीज आप लोग बताइए जो भी डाउट्स है मैं उसको क्लियर करूंगा, या कोई डाउट क्लास लेने वाला था, तो अंकित बाबू लेगा आई डोंट हैव एनी डाउट्स। उसका रीजन आज मुझे समझ आए, वो एग्जाम में अपियर नहीं हो रहे थे तो डाउट्स क्या रहेगा। मैं तो उस बच्चों के लिए लिखा था जो एग्जाम में अपियर हो रहे थे, तो उन्होंने एकदम सही लिखा था, आई डोंट हैव एनी डाउट्स। नहीं तो बहुत सारे बच्चे जिसको मैंने देख लिया एक बार याद हो गया, आई डोंट हैव एनी डाउट्स। मैंने बोला वाह, ऐसे स्टूडेंट होना चाहिए, टीचर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। बड़ी खुशी की बात है। मैंने बोला थैंक यू वेरी मच।
चलो, ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला याद आ गया, परसेंटेज चेंज आ गया ना। अब बताओ बेटा तुम, यहां पे आपको तो परसेंटेज चेंज लिखा है, तो यहां पे परसेंटेज चेंज कैसे लिखोगे आप? चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, तो चेंज हो गया 10, ओरिजिनल हो गया 20 इनटू 100, ऐसे लिखा जा सकता है। यहां पे चेंज हो गया 10 लाख, ओरिजिनल था 50 लाख इंटू 100। बताइए समझ आया कि नहीं आया बेटा यहां तक? एकदम अच्छे से समझ आ गया ना, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब यहां पे 50% हो जाएगा यहां पे, यहां तक कोई डाउट? एकदम अच्छे से समझ आ गया। अभी लिखना नहीं, जस्ट समझना है, ठीक है ना बेटा? अगर मैं बोलूं कि लीवरेज निकालनी है एडवर्टाइजमेंट और इसमें, तो परसेंटेज चेंज इन सेल, सेल कितनी है बेटा? 20%। और ये क्या हो गया, कितना हो जाएगा? 0.25। अगर 1% से एडवर्टीजमेंट चेंज करेंगे तो 0.25 से क्या चेंज होगा? समझ आ गया ना बेटा? तो इस तरह लीवरेज निकालते हैं। इस तरह हम क्या निकालेंगे बेटा? हम डाटा यहां पे उल्टा कर दिए थे, ठीक है ना बेटा? आपका डाटा होना चाहिए कि 20 एडवर्टीजमेंट, मैंने 50 एडवर्टीजमेंट और 20 लाख सेल होना चाहिए, ठीक है ना? मैं कोई बात नहीं, समझने के लिए तो आप समझ गए ना, तो इसको लिखवा दो बेटा मैं। हाँ जी, अच्छा चलो 0.4 आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है ना? कैलकुलेशन में कोई लॉजिकली तो समझ गए ना। लिखिए, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 50,000, तो सेल कितनी है? 20,000, 20 लाख, हाँ 20 लाख। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 50,000, तो सेल है आपका 20 लाख। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 60,000 है, तो सेल कितनी है? 30 लाख। तो चेंज कितना होगा बताइए, चेंज कितना होगा बेटा? 10 लाख, 10 लाख। फाइंड लीवरेज एनालिसिस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड सेल्स रेवेन्यू, फाइंड लीवरेज एनालिसिस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड सेल्स रेवेन्यू, इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट टू गेट सेल्स रेवेन्यू डबल, टू गेट सेल्स रेवेन्यू डबल,
फाइंड परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट टू गेट सेल्स रेवेन्यू डबल. फाइंड परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट टू गेट सेल्स रेवेन्यू डबल. परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट टू गेट सेल्स रेवेन्यू डबल. हाँ जी मैं बताऊंगा अभी. अब सुनिएगा बेटा, यहां पे प्लीज समझने की कोशिश करेंगे. लीवरेज क्या होगा यहां पे? परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट. डिपेंडेंट कितनी है, इनडिपेंडेंट कितनी है, अभी लिखना मत. तो ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन सेल्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट. हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा बेटा? तो इसका आंसर क्या है? 2.5 होगा ना, 2.5. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे लिखोगे? परसेंटेज चेंज इन सेल 2.5 इंटू परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट. ऐसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे बेटा? ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखा जा सकता है ना बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई से. तो इसका मतलब 1% से अगर एडवर्टीजमेंट चेंज करोगे, यहां पे 1% से एडवर्टीजमेंट चेंज करोगे तो सेल कितना चेंज होएगा? 1 इंटू 2.5, ये 2.5% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1 इंटू 2.5 चेंज होगा कि नहीं होगा? 1% से एडवर्टीजमेंट कॉस्ट चेंज करोगे तो सेल्स कितना चेंज हो जाएगा? 2. यहां तक क्लियर है ना बेटा? अगर ये 10% से चेंज करोगे कितना हो जाएगा? 25% जाएगा. ये इंटरप्रिटेशन है ना बेटा? ये इंटरप्रिटेशन है कि नहीं है? दूसरी बात, तीसरी क्वेश्चन क्या हुआ? फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट टू गेट सेल्स रेवेन्यू डबल. सेल्स रेवेन्यू डबल का मतलब क्या होता है? आज सेल्स एक्स था तो बाद में क्या हो जाएगा? तो इसकी परसेंटेज चेंज कितना होगा? चेंज कितनी है? एक्स ओरिजिनल कितना था? एक्स इंटू 100. तो 100% हो गया कि नहीं हो गया? अगर कोई कहता है कि डबल हो जाएगा पैसा तो 100% इंक्रीज कर जाएगा ना. डबल का मतलब क्या होता है? आज एक्स है तो बाद में क्या हो जाएगा? तो 2x होगा तो कितना चेंज हो जाएगा? 100% चेंज हो गया. 100% समझ आया कि नहीं? तो जब आप सेल्स में 100% कर दोगे तो एडवर्टीजमेंट निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट. तो 100 डिवाइडेड बाई 2.40%. हाँ जी बेटा समझ आया कि नहीं? इसको लिखवा दूं मैं आपको, लिखवा दूं? हाँ जी समझ आया? क्या नाम बेटा आपका? परवीन. आपको नहीं, इनका. हाँ जी, हाँ जी वैभव. वैभव समझ आया कि नहीं? चलिए अच्छे, इसको कॉपी कर लीजिए बेटा. कैलकुलेट द लिवरेज बिटवीन सेल्स रिवेन्यू एंड एडवर्टीजमेंट कॉस्ट. मेरा यही लॉजिक होगी, पहले मैं समझाऊंगा फिर उसको लिखा दूंगा, ठीक है ना बेटा? ताकि कॉपी बहुत अच्छा से बनना चाहिए आपके पास. कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन लिवरेज एनालिसिस बिटवीन सेल्स रिवेन्यू एंड एडवर्टीजमेंट कॉस्ट. किसके नीचे बेटा? क्या पूछ रही है? नहीं वो कह रहा है मैंने लिख लिया तो उसके नीचे का भी. हाँ लिखो, सारे लिखो और बाकी बच्चे कहाँ गए? कौन सा ये? तुम्हारे फ्रेंड.
सेल्स रिवेन्यू, सेल्स रिवेन्यू है। अब सुनिए, ये दो फॉर्मूला होता ही है बेटा, परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट। लीवरेज बिटवीन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड सेल्स रिवेन्यू, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स रिवेन्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट। यहां तक फॉर्मूला ठीक हो गया, 2.5 सबको समझ आ गया बेटा, वैभव समझ आ गया, प्रवीण समझ आ गया, आपके फ्रेंड का क्या नाम बेटा? हाँ जी, नरेंद्र, आर्यन, एक्चुअल चलिए ठीक है आर्यन, वो एक्चुअली वहां से ना पंखा इतना चला सुनाता ही नहीं यहाँ पे, अब मैं तो माइक लगाया हूं, चलो तो कोई बात नहीं, एक बार पर्सनली सबके पास जा जाकर पूछूंगा ना। चलिए सुनिए, मुझे विश्वास है कि 2.5 तक तो सारे बच्चे समझ गए होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहां पे, तो परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट सेल्स रिवेन्यू इंटू 2.5 इंटू परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। यहां तक समझ आ गया बेटा एकदम अच्छे से? हम आपको इंटरप्रेट करने के लिए सेकेंड पार्ट में बोले थे, उसका मतलब क्या है, अगर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 1 चेंज होगा 1%, तो 2.5 इंटू 1 कितना हो जाएगा बेटा, 2.5% चेंज होगा कि नहीं? अगर यहां पे 10% चेंज होगा तो कितना लिखेंगे हम, 10 into 2.5, 25% चेंज होगा कि नहीं? तो ये इसका इंटरप्रिटेशन है, ये इसका क्या है, इंटरप्रिटेशन है, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट मैंने क्या बताया था, अगर यहां पे डबल हो जाए, सेल डबल, सेल डबल का मतलब क्या होता है बेटा, अगर x आज है तो 2x, यही तो डबल होता है, x है तो 2x, परसेंटेज चेंज क्या होगा बताइएगा, चेंज आपका कितना हो गया, x तो 2x कितना चेंज हुआ, x चेंज हुआ ना, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, यही फॉर्मूला होता है ना, तो x डिवाइडेड बाय x इंटू 100 दैट इक्वल टू 100% हुआ ना, तो डबल मैं बोलूंगा इसका मतलब 100% चेंज चाहता है ना, डबल बोलने का मतलब क्या होता है, 100% चेंज। जब 100% चेंज है तो क्या होगा बेटा बताइए, वो निकालनी है, निकाल सकते हो ना, तो इसको लिखवा दो बेटा, लिखिए सेकेंड पार्ट का आंसर इंटरप्रिटेशन। लिवरेज एनालिसिस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड सेल्स रिवेन्यू, लिवरेज एनालिसिस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड सेल्स रिवेन्यू टू पॉइंट फाइव मीन्स, टू पॉइंट फाइव मीन्स फॉर एवरी 1% चेंज इन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड सेल्स रिवेन्यू 2.5 मीन्स फॉर एवरी 1% चेंज इन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, फॉर एवरी 1% चेंज इन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, फॉर एवरी 1% चेंज इन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, परसेंटेज चेंज इन सेल्स रिवेन्यू इज, परसेंटेज चेंज इन सेल्स रिवेन्यू इज 2.5, परसेंटेज चेंज इन सेल्स रिवेन्यू इज 2.5, परसेंटेज चेंज इन सेल्स रिवेन्यू इज 2.5, दैट इज इफ एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज बाय, दैट इज इफ एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज बाय, इफ एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज बाय 10%,
बाई 10% देन सेल्स रेवेन्यू विल इंक्रीज और डिक्रीज बाई, सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज और डिक्रीज बाई 2.5 × 10 कितना हो जाएगा बेटा 25%। लिख लीजिए बेटा, लिख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ा जाए बेटा, आगे बढ़ा जाए बेटा, आगे बढ़ा जाए। लिखिए तीसरा पार्ट, तीसरी पार्ट लिखिए, सेल्स रेवेन्यू डबल मींस, सेल्स रेवेन्यू डबल मींस सेल्स रेवेन्यू डबल मींस देयर इज 100% चेंज इन सेल्स रेवेन्यू, देयर इज अ 100% चेंज इन सेल्स रेवेन्यू, देयर इज अ 100% चेंज इन सेल्स रेवेन्यू, 100% चेंज इन सेल्स रेवेन्यू। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब प्लीज देखिए इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट है। इस इक्वेशन में अगर ये 100% है और एडवर्टीजमेंट कॉस्ट निकालनी है, हाँ जी बेटा ये वाला पॉइंट देखो, ये एडवर्टीजमेंट कॉस्ट निकालनी है, ये 100% है तो ये निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, हाँ जी सबको समझ आया ना बेटा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये 100% लिखेंगे, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 40%, ठीक है ना बेटा। अब चलिए सुनिए बेटा, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ आया होगा, समझ आया बेटा, हाँ जी बेटा समझ आया एकदम अच्छे से। आप लोगों ने जो चैप्टर बोला वही चैप्टर मैंने शुरू किया और आप लोगों को समझ भी आया, बड़ी खुशी की बात है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग प्लीज आप लोग इसको रिवाइज करके आना, ज्यादा रिवाइज नहीं कर, मैं जितना पढ़ाता हूं उतना ही रिवाइज करना है। अगर मेट्रो में जाते हैं तो उसको रिवाइज करेंगे तो 10 मिनट टाइम लग जाएगा। इफेक्टिव तो आपके कॉपी में कितना है, बात तो कमी है, बोला मैं बहुत ज्यादा हूं लेकिन लिखवाया तो कमी हूं ना। आज जितना मैंने लिखवाया उतना ही तो माइंड में रखना है। आप पहले समझाया है फिर लिखवाया है फिर आप रिविजन करेंगे तो 3 बार हो जाएगा ना, और एग्जाम के पहले 5 बार ही तो रिविजन चाहिए तो 2 बार और रिविजन हो जाएगा कभी, तो आप मान लीजिए एग्जामिनेशन के लिए परफेक्ट बनते चले जा रहे हैं। और एचएल गुप्ता से क्लास करने के बाद डरने की कोई बात नहीं है, एग्जामिनेशन हॉल में वो सारी क्वेश्चन आएगी जो आपका किया हुआ रहेगा, ठीक है ना बेटा। तो बुलंद भारत की जय माता दी, ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।